कढ़ाई जो आप खा रहे हैं ये कैसी लगी आपको? बहुत जबरदस्त कढ़ाई बनाए हुआ है, शनवारी कढ़ाई हमने आज टेस्ट कर दिया ये मदीना रेस्टोरेंट में। बहुत जायके वाली कढ़ाई थी, तो मजा आया हम लोगों ने खिलाते हैं, क्योंकि हम ज्यादा मिर्ची नहीं खा सकते, इसकी वजह से हमने शनवारी कढ़ाई आज टेस्ट कर दी। सही भाई, बड़ी जबरदस्त देखने में तो कढ़ाई लग रही है। जी जी माशाल्लाह, आप लोग खाए यार, आप लोगों को परेशान किया वैसे? नहीं नहीं, लेकिन हमने बोला यार रिव्यू तो लें, भाई खा रहे हैं इतना मजे ले लेंगे तो क्या। जी जी जी, वैसे क्या यहाँ पे स्पेशलिटी? यहाँ पे तो मैंने नाम सुना है अफगानी बोटी भी है, तो नाम मैंने सुना है अफगानी बोटी का, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इंशाल्लाह अगली बार हम आएंगे तो अफगानी बोटी टेस्ट कर लेंगे। और इधर प्लेटर भी नाम सुना हुआ है, अब इंशाल्लाह वो भी टेस्ट कर लेंगे अगली बार दोस्त है। अभी तो आज हम दो आए हुए थे, इसकी वजह से आधा किलो कढ़ाई मंगवा दिया, अगली बार इंशाल्लाह एक दो दोस्तों को और बुलाएंगे, फिर प्लेटर अफगानी बोटी कढ़ाई फिर वापसी खाएंगे। चलो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। शरीरजाद एक दफ़ा फिर से हाजिर हैं एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। और जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आसपास हमारे आपको बड़ी रौनक नज़र आ रही है और पीछे भी बड़ा अच्छा व्यू नज़र आ रहा है, तो आज जो है हम मौजूद हैं बड़े एक अच्छे रेस्टोरेंट पे, और यहाँ की क्या कहानी है वो आपको बताएंगे जवाब पे। जवाब पे बताएं क्या है भाई? मदीना रेस्टोरेंट को तो आप लोग सभी जानते होंगे, बड़ा मशहूर नाम है इनका सोराब गोट की वजह से। अब इन्होंने यहाँ पर अपना रेस्टोरेंट शुरू किया है गुलशन में, ये बिल्कुल फूला रेस्टोरेंट के बिल्कुल बराबर में। हमने पहले भी वीडियो बनाई थी यहाँ गुलशन की, इसको बेकरी से जब सीधा आते हैं तो आगे जाके आप सीधे हाथ पे पड़ता है मस्कन चौरंगी से पहले। तो बड़ा ज़बरदस्त सेटअप इन्होंने किया हुआ है, और आप देख रहे हैं धुआं भी उठ रहा है बड़ा माशाल्लाह ज़बरदस्त। बारबेक्यू का स्टेक्स जो हम वहाँ पे लेते थे उसको बोलते हैं अपना अगवानी बोटी, अगवानी बोटी का अगवानी बोटी का बड़ा अच्छा सेटअप इन्होंने यहाँ पे बनाया, मशहूर है यहाँ की अगवानी बोटी, मशहूर है। और मेरे ख्याल से थोड़े से रेट एडवांस किए इन्होंने यहाँ पे ना। हाँ, उस टाइम वो गुलशन के लिहाज से यार दायरे सोराब बोर्ड पे जाना और यहाँ पे इसमें फर्क होता है बैठने में। अब वहाँ पे तो खाया था जवाब भाई, तो अच्छा था, अब यहाँ पे देखते हैं क्या टेस्ट है, टाइम भी हो गया काफी खाए हुए माशाल्लाह से। वैसे ओनर इनके बहुत अच्छे हैं, उन्होंने ही हमें इन्वाइट किया है, और ऑनर तो वही है, जब ऑनर वही है तो भाई रेसिपीज भी वही होती है ज्यादातर जगहों पर। ट्राई करते हैं क्या ही है, हमें ट्राई कराते हैं आज, फिर हम आपको आगे खा के भी रिव्यू देंगे। बड़ा जबरदस्त यहाँ पे कढ़ाई बना रहे हैं, और भाई जब मदीना के शेफ हैं तो बड़े स्पेशली शेफ होंगे। भाई क्या नाम है आपका? बिस्मिल्ला नाम है मेरा भाई। बिस्मिल्ला नाम बड़ा अच्छा है इनका भाई, बिस्मिल्ला नाम है इनका। क्या बना रहे हैं आप ये कढ़ाई? ये व्हाइट कढ़ाई बना रहे हैं। व्हाइट कढ़ाई भाई बड़ी स्पेशल है यहाँ पे, व्हाइट कढ़ाई अभी मैंने पूछा स्पेशलिटी है भाई। कितनी देर में बन जाती है ये व्हाइट कढ़ाई? 25 मिनट में बन जाती है। 25 मिनट में आपका सारा इंग्रीडियंट रेडी है? जी जी। भाई मदीना होटल के स्पेशलिस्ट जो है ना यहाँ पे बारबेक्यू के जो गुलशन में स्पेशलिस्ट हैं ये भाई है। भाई क्या नाम है? मेरा नाम सईद है, सईद करो। सईद भाई क्या स्पेशलिटी है यहाँ की? सर हमारा तो फिलहाल जो ये अभी चल रहा है ये पैकेज है ना, ये सिग्नेचर प्लेटर मदीना। जी जी मदीना प्लेटर का सारा सामान बन रहा है। जी जी प्लेटर का, और इसके अलावा मतलब हम और भी ये बारबेक्यू मलाई बूटी रेशमी कबाब चिकन बिहारी चिकन टिक्का वगैरह बहुत सारे आइटम है। और ये सारे आइटम जो भाई बन रहे हैं ये सब लगेंगे प्लेटर के अंदर, ये स्पेशली प्लेटर के लिए ये तैयार किए जा रहे हैं। और सईद भाई बना रहे हैं, हम देखते हैं सईद भाई के हाथ का टेस्ट कैसे। अच्छा सईद भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे बन रही है भाई बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बारबेक्यू, तो अभी इनसे पूछते हैं भाई क्या बना रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, एहसानुल्लाह। एहसानुल्लाह भाई ये क्या बना रहे हैं आप? ये अफगानी बोटी। अफगानी बोटी है ये? अच्छा, ये किस किस गोश्त कौन सा है? बकरे का दुम्बा है यार। ये तो बड़ी ज़बरदस्त लग रही है देखने में, मज़ेदार लग रही है। अभी ये भाई बना रहे हैं तो अभी हम देखते हैं, बनने के बाद ट्राई करते हैं। हाँ ये थोड़ा सा उर्दू का इनका मसला है, आप कहाँ से हो? अफगानिस्तान से हो? अफगानिस्तान से हो? अफगानिस्तान से ना भाई, इनकी थोड़ा उर्दू कमज़ोर है। चलें भाई बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी जी। आ गया है भाई फूड जमीन भाई, मौजूद है। और ये देखें ये प्लेटर है जी बारबेक्यू इनका, ये टिक्का भाई टिक्का ट्राई करते हैं, ट्राई करें आप ये बताएं, ट्राई करके बताएं ट्राई क्या चीज़ करें यार, जबरदस्त। ये तो वो रेशमी बोटी लग रही है, ऐसे
वैसे मैंने और मुदम्मिल भाई ने तो वहाँ बन रहा था तो हमने वहाँ पे भी ट्राई किया मलाई बोटी और वगैरह इनकी हमने वहाँ ट्राई किया। यार ये तो भाई हो गई था भाई इसके साथ क्या है असद भाई उठाएं चमचा उठाएं प्लेट किस चीज का कर रहे हैं भाई स्टार्ट कर स्टार्ट कर स्टार्ट कर आगे बंदा मार लो भाई बहुत हो गया बहुत शुक्रिया थैंक यू भाई। आगे भी आई है और ये रायता भी आई है और ये इनकी जो बिहारी की है चिकन ये मैं ट्राई कर रहा हूं बिहारी चिकन की इनकी राइस के साथ मजा आ गया यार बहुत जबरदस्त है और इसको हम लगाएंगे अब इनकी ये चटनी जो है स्पेशल भाई ये तो रोल बन गया रोल सर भाई जापान का ताला हो गया फिर बहुत आला बाकी जापान का ताला। अच्छा ये तो बता दें मुदम्मिल भाई कि स्प्लिटर के लिए हमने वेट कितना किया है यार बताओ भाई एक घंटे वेट किया है चावल खत्म हो गए दिन के बाद माशाल्लाह से बहुत चल रहा है प्लेटर इनका जबरदस्त और ये फिर लेने गए अपनी दूसरी ब्रांड रश हो गया ज्यादा ये मत समझिएगा कि हम ब्लॉगर हैं तो हमें वो स्पेशल ट्रीट दिया जाए ऐसी गाड़ी नहीं है भाई हमने वेट किया और लोग इतने एक घंटे का इंतज़ार तो किया लेकिन जो चीज़ मिली है बाकी एक घंटे के इंतजार के बाद आपका जो इंतज़ार है आपका वक्त है वो वसूल है बिल्कुल बाकी अभी एक आके फिर प्रॉपर तरीके से इसका जो है फूड रिव्यू देंगे हम एंड आपको फिर आगे बताते हैं वीडियो में बने रहें। अच्छा तो दोस्तों खाना वाना जो है माशाल्लाह से हम लोग खा चुके हैं और अब बारी है रिव्यू की तो रिव्यू जो है माशाल्लाह से जो है बहुत ज़बरदस्त था लेकिन जो ख़ास बात ये है आज के रिव्यू की वो ये है कि मुदम्मिल भाई हमारे साथ मौजूद है तो ये ना ये भी इत्तेफाक से मुलाकात यहाँ हो गई तो रिव्यू जो है मुदम्मिल भाई देंगे आज हमारे चैनल के ऊपर कि भाई क्या रिव्यू बताएं भाई मुदम्मिल भाई क्या भाई मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा ज़बरदस्त और मज़ेदार असद भाई के चैनल पर बैठे हुए ना आज बिल्कुल नहीं भाई बहुत अच्छा है असद भाई बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके और मतलब ऐसा है कि आप इजीली कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं खा सकते हैं फैमिली को भी लेके आ सकते हैं क्वालिटी बहुत अच्छी दे रहे हैं प्लेटर की क्वालिटी चावल की इवन ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छा मज़ा आया भाई जवाद भाई ये खुशूसी जो है जवाद भाई आपका क्या रिव्यू है हमने भी प्लेटर ही खाया है यहाँ पर हमें भी इन्होंने प्लेटर ही खिलाया है भाई और प्लेटर के अंदर भाई सबसे ज़बरदस्त चीज़ इनका बारबेक्यू बारबेक्यू और राइस जो है ना इनके कोई बड़े शानदार इन्होंने यूज़ किए हैं और बारबेक्यू के अंदर यार वैसे ही ये लोग स्पेशलिस्ट हैं जैसे कि वहाँ बताया हमने भाई बारबेक्यू के अंदर बड़े स्पेशलिस्ट हैं ये लोग और दूसरी चीज़ ये कि वो जो बोटियाँ थी ना वो जो है बड़ी स्पेशल लगी हमें यार वो सुराब गोट पे तो खाते हैं गुलशन में आके मैंने पहली बार खाई है बहुत ज़बरदस्त अच्छा बहुत मज़ा आया आप बताएं भैया भाई मैं तो वाकई में जो है ना माशाल्लाह से बड़ा मज़ा आया है और माशाल्लाह से आप लोगों ने दोनों ने रिव्यू दे दिया तो फिर मेरा रिव्यू बनता नहीं है माशाल्लाह से आप दोनों फूड के सीनियर लोग हैं चले तो फिर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं ठीक है ना। अच्छा वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुदम्मिल भाई एक दफ़ा आप भी सब्सक्राइब का बोल दें मेरी सुनते नहीं है लोग ना आप बोल दें तो भाई देखिए इनके चैनल पर मैं बैठा हूँ इनके चैनल को शरीफ ज़ादे को लाजमी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को भी करें दोनों के चैनल ताकि दोनों का मिलवाड़ के काम चल सके भाई चले जी तो व्यूअर्स मुदम्मिल भाई को और शरीफ ज़ादे को दीजिए इजाज़त फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में ओके जी अल्लाह हाफिज़।